हेलो गाइस, दिस इज़ अविनाश जेना, BDS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मोड। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या BDS मेरा फर्स्ट ऑप्शन था या मेरे को MBBS सीट गवर्नमेंट में नहीं मिला इसीलिए मैंने BDS ज्वाइन किया। ऑफकोर्स बहुत सारा नीट एस्पायरेंट्स ये सोचेंगे कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS का सीट नहीं मिला इसीलिए मैंने BDS ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा जो क्लास 12th है वो 2021 में ही ख़त्म हुआ है और नीट 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को कुछ ड्रॉप ही नहीं लेना था। इसीलिए मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और आपको तो पता होगा कि डेंटिस्ट इज इक्वल टू डॉक्टर प्लस इंजीनियर प्लस आर्टिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको फिर से नीट 2023 के लिए ड्रॉप करना चाहिए या BDS, BMS, BHMS जैसे मेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आप खुद का डिसीशन खुद बनाना सीखिए, खुद का डिसीशन खुद बनाइए, दूसरों से सलाह मत लीजिए। अगर सलाह लेते हैं तो अच्छे लोग से लीजिए, बुरे लोगों से नहीं लीजिए। देखो, आपने आपका सपोज़ नीट एग्ज़ाम दे दिया और आपका सपोज़ 540 मार्क्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अभी और आपको अभी फिर से भी नीट के लिए ड्रॉप भी नहीं करना है, और सपोज़ आपका पेरेंट्स फाइनेंशियली उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आपको MBBS कॉलेज में डालेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी में डालेंगे, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है अभी वो है डेंटल कॉलेज और डेंटल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस और नॉयर हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज। तो लेकिन आप यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि आप आपके अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं, पेरेंट्स लोग जहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पे पूछेंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, BDS का तो डिमांड नहीं है, BMS का तो डिमांड नहीं है, तो आप क्यों उसमें खामोखा एडमिशन करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग तो भाई BDS या BMS का फील्ड को मतलब फील्ड में नहीं है, तो आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं। आप उनसे पूछिए जो लोग BDS या BMS कोर्स में हैं और आप नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका पेरेंट्स लोग आपको तैयार करने के लिए अगर अलाउ भी कर रहे हैं, तो आपको तो आपका पेरेंट्स को तो आपके ऊपर मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है वो तो पता होगा, इसलिए आपको तो बोल रहे हैं ना नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि भाई कोर्स हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड करने वाला है, अगर हम ठीक से हार्डवर्क करेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। तो हम क्यों खामोखा कोर्स को बदनाम करें कि BDS का डिमांड नहीं है, BDS में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सबसे पहले देखो, हम BDS करें या MBBS करें या हम BMS करें या BHMS करें, जो भी करें हम इस कोर्स में हम डॉक्टर ही बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे इस जो कोर्स में हमारा अच्छा होना चाहिए वो है हैंड स्किल, प्रैक्टिकल्स और हमारा जो स्किल्स है, हैंडवर्क है, ये अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा होगा तो पेशेंट्स लोग खुद ही खुद आ जाएंगे, तो अगर हमको भी जॉब करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और आप जो बार बार गलती करते हैं ये वो है कि आप दूसरों से पूछते हैं, अगर आपको पूछना है तो जो लोग इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में काम करते हैं उनसे पूछिए, या जो लोग इस जो स्टूडेंट्स है जो BDS ज्वाइन किए हैं, जो BMS ज्वाइन किए हैं, उनसे पूछिए कि क्या इसका डिमांड है या नहीं है,
आप कॉलेज से पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं और बहुत कुछ बताएंगे कि BDS या BMS का डिमांड नहीं है, पेशेंट्स नहीं हैं, बहुत कुछ बताएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट है तो आपको जो करना है आप खुद ही करेंगे, कोर्स कुछ भी नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो MBBS हो चाहे वो BDS हो, क्योंकि बहुत सारा MBBS डॉक्टर भी हैं जो कि मतलब कुछ उनके पास भी पेशेंट्स नहीं आते हैं क्योंकि उनका जो स्किल है अच्छा नहीं। लेकिन वहाँ पे अगर BDS डॉक्टर को देखो, वो भी मतलब उनका हैंडवर्क बहुत अच्छा होता है और उनके पास पेशेंट्स होते हैं। तो ये कंपैरिजन करना बंद करना चाहिए और कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, किसका किसके साथ लिंक ही नहीं है। अगर आपको 2022 में BDS ज्वाइन करना है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं हाउ टू गेट एडमिशंस इन BDS इन 2022। देखो ज़्यादातर ये होता है कि जो लोग नीट के लिए ड्रॉप करते हैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते हैं तो उनका जो मार्क में इंक्रीज होता है वो है 200 से 250 मार्क्स। सो अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका जो मार्क इंक्रीज करेगा वो है 200 से 250 तक। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है और आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए हैं तो आपका जो मार्क है वो जितना ही था उतना ही रहेगा। वो उसका अगर इंक्रीज होगा तो 400 अगर आप रख रहे हैं तो वो 450 तक ही जाएगा। इसमें भी आपको तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो आपके पास फिर से जो ऑप्शन है वो है BDS, BMS और BHMS। लेकिन आपको इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में डेंटिस्ट्री करने के लिए और आयुर्वेदिक पढ़ने के लिए जो चांस है वो लो है, आपको गवर्नमेंट BDS और गवर्नमेंट BMS का कॉलेज नहीं मिल सकता है। शायद मिल सकता है, अगर कट ऑफ लो जाएगा तो मिलेगा, लेकिन उतना चांस भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट BDS या BMS कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अभी आप जो कर सकते हैं वो है आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जैसे हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस और मणिपाल कॉलेज, ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या उसमें पेशेंट्स फ्लो अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और ये सबसे पहले मेन बात है। लेकिन अगर आपका मार्क जो है वो 400 के नीचे आ रहा है या 400 मार्क से कम आ रहा है तो, और आप दो या तीन बार ड्रॉप ले चुके हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर से ड्रॉप मत लीजिए। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप किसी एक अच्छे पारा मेडिकल कोर्स हो गया जैसे कि BPT या BOT या नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप फिर से ड्रॉप करते हैं और अच्छे से भी पढ़ाई करते हैं तो आपका जो मार्क में इंक्रीज होगा वो है 200 से 250 तक। अगर आप 300 मार्क रख रहे हैं तो आपको 500 मार्क आएगा, अप्रोक्सीमेटली 500 या 500 से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। और आपको तो पता है अभी नीट का जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए MBBS के लिए जो कट ऑफ है वो तो 600 प्लस है, तो आपको सीट नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, या आप नर्सिंग जैसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप BDS या BMS या BHMS जैसे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं BDS या BMS या BHMS। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में BMS या BHMS ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप BDS ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छा कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो मैं आपको ये बार बार बताया हूँ कि कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, सब कोर्स का एक इम्पोर्टेंस है। आप जो कंपेयर करते हैं कंपैरिजन करना बंद कीजिए। MBBS का भी इम्पोर्टेंस है, BDS का भी इम्पोर्टेंस है, BMS का भी इम्पोर्टेंस है और BHMS का भी इम्पोर्टेंस है।
एक सब चीज़ का अपने अपने लेवल में इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आप एक MBBS डॉक्टर के पास जाके डेंटल प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे तो क्या वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो आपको अच्छा सलाह दे सकता है ज़रूर, लेकिन वो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। वैसे अगर आप एक डेंटल डॉक्टर के पास जाके MBBS का प्रॉब्लम पूछेंगे या MBBS डिजीज़ के रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो क्या वो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सलाह दे सकते हैं। देखिए, BDS और MBBS जो कोर्स है उसमें ये सिर्फ डिफरेंस है कि हम जो पढ़ते हैं वो 3 साल के लिए हम MBBS वालों जो भी पढ़ेंगे हम भी वो पढ़ेंगे, और जो लास्ट ईयर जो 4th ईयर हमारा BDS का होगा उसमें हम सिर्फ BDS का ही कोर्स पढ़ेंगे। BDS का 8 सब्जेक्ट्स ही सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें हम MBBS का कोर्स नहीं पढ़ेंगे। मतलब MBBS वालों पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, और BDS वालों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी। तो ये 1st ईयर का मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे ही 2nd ईयर 3rd ईयर तक हम BDS वाले जो हैं, BDS स्टूडेंट्स जो है वो MBBS का पार्ट भी पढ़ते हैं, BDS का भी पार्ट पढ़ते हैं, और 4th ईयर में सिर्फ BDS का पार्ट पढ़ते हैं। तो ये जो कंपैरिजन आप करते हैं ये एकदम ही गलत है। दूसरी बात ये है कि आप जो अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं ये आपको मिसगाइड ही करते हैं। देखो, वो उस फील्ड में नहीं है, उनका उस फील्ड में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये वो आपको क्या बताएंगे? भाई, मैंने खुद जब BDS में ज्वाइन किया, मेरे को जब लोग पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं डेंटल में ज्वाइन किया, वो मेरे को बोल रहे हैं अच्छा तुम्हारा मेडिकल में हो गया, तो मैं उनसे क्या बोलूँ उस समय? मतलब उनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो अगर आपको आके सलाह देंगे तो वो क्या सलाह देंगे? और अगर आप लोग उनके बात मानकर काम करेंगे तो आप क्या अच्छा काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक बेस्ट डिसीशन फॉर योर कैरियर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फास्ट।